देश आज यंग गाइस। एक्चुअली इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 की जो क्वेश्चन बैंक दी गई है फॉर साइंस वन। आज हो गया 26 मार्च, अब तक भी साइंस वन की क्वेश्चन बैंक अब तक इंग्लिश में नहीं आई है, हमारे पास मराठी की क्वेश्चन बैंक है। तो मराठी की क्वेश्चन बैंक को हमें यूज करके आंसर सॉल्व करने होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, आंसर्स निकाले हैं। हमने क्वेश्चन वाइज नहीं गए, हम चैप्टर वाइज जा रहे हैं। तो हमने, क्योंकि हम अगर क्वेश्चन वाइज जाएंगे तो सिर्फ वन मार्क के क्वेश्चंस करते करते बहुत सारे, अब देखोगे वन मार्क क्वेश्चंस, ये देखियो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल 131 है। तो ऐसे करके हम जाएंगे तो हमारे पीछे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाएंगे 5-5 मार्क्स के। तो हमने क्या किया, हमने चैप्टर वाइज किया है। तो चैप्टर वन ग्रेविटेशन जो है साइंस वन का, उसके जितने भी सवाल है 1 मार्क 2 मार्क्स, सारे न्यूमेरिकल्स 5 मार्क्स क्वेश्चन सारे एक साथ लिए हमने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो साइंस वन चैप्टर वन ग्रेविटेशन के जो क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन 1A जो है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसके ग्रेविटेशन चैप्टर से कितने सवाल है वो देखिए। पहला सवाल है, इन ऑर्डर टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज नेसेसरी टू एक्सर्ट डैश ऑन इट। तो चार ऑप्शंस दिए गए। सबसे पहले सवाल समझेंगे, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि हमें कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है। मतलब वो अगर ऑब्जेक्ट कोई स्पीड से जा रहा है, समझो एक बॉल है, एक स्पीड से बॉल जा रहा है, या वो बॉल एक डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हमको उसकी स्पीड बदलनी है, मतलब उसको स्पीड कम या ज्यादा करनी है या उसका डायरेक्शन बदलना है, तो हमें क्या करना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू एक्सर्ट डैश ऑन इट। तो चार ऑप्शन है, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, मोशन। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आपको बाकी सब मीनिंग्स पता भी नहीं है तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यू हैव टू एक्सर्ट फोर्स ऑन इट। तो इसका आंसर, वन का आंसर आएगा ए, फोर्स। और अब जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे बोर्ड में भी, तो आपको क्वेश्चन नंबर सही से लिखना है। जैसे क्वेश्चन 1A लिखा है तो आपको मार्जिन में क्वेश्चन 1A लिखना है, ये नंबर 1 उसके नीचे बाद में लिखना है। और जब आंसर लिखोगे तो आप कंप्लीट सेंटेंस में भी लिखोगे, तो आप यहाँ ब्लैंक में ऑप्शन नंबर भी लिखोगे, मतलब ए बी सी डी में से आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया। ऑल्टरनेटिव अगर ए सिलेक्ट किया तो ए फोर्स लिखना है, ये लिखना भी बहुत जरूरी है। सो रिमेंबर दैट। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हो, अगर आपको कहा गया सिर्फ ऑल्टरनेटिव लिखो, आप सिर्फ ऑल्टरनेटिव लिखना चाहते हो, तो भी आपको ए करके लिखना है, सिर्फ फोर्स नहीं लिखना है। कैपिटल ए है तो कैपिटल ए फोर्स, स्मॉल ए होगा तो स्मॉल ए, तो जैसा लिखा है वैसे आपको आंसर लिखना है, करेक्ट ऑप्शन। देन सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड जो है क्वेश्चन हमारा है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड अ स्टार इज डैश। तो अगर प्लैनेट स्टार के अराउंड घूम रहा है तो उसकी जो ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट का शेप क्या होता है। जैसे हम समझते सन है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, अर्थ भी सन के अराउंड घूम रहा है, तो हम कहते हैं गोल गोल घूम रहा है। तो एक्चुअली गोल नहीं होती, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में ये पढ़ा है। ऑर्बिट्स का शेप क्या होता है, एलिप्टिकल। ये केप्लर्स फर्स्ट लॉ में भी है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो एलिप्टिकल होता है। एलिप्स का शेप कैसा होता है, थोड़ा एग शेप्ड, अंडे के शेप की तरह, नॉट एग्जैक्टली, दोनों साइड से उसका इक्वल होता है, एक थोड़ा कहीं से एक बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन एलिप्टिकल ऑर्बिट पूरा एक ओवल शेप होता है। सिंपल वर्ड्स में हम ओवल कह सकते हैं इसको, है ना। तो ये है, तो ऑर्बिट इज एलिप्टिकल। तो यहाँ से जो चार ऑप्शन है हमारे, सर्क्यूलर नहीं होता, ऑर्बिट स्ट्रेट लाइन भी नहीं होती, इट्स एलिप्टिकल। तो हमारा राइट आंसर है डी, एलिप्टिकल। थर्ड क्वेश्चन है, The square of a planet's period of revolution around the sun is directly proportional to the dash of the mean distance of a planet from the sun. अभी ये अगेन केपलर्स लॉ आ गया, ये केपलर्स थर्ड लॉ है कि प्लैनेट का जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कितना टाइम लगाता है प्लैनेट सन के अराउंड घूमने को, जैसे अर्थ और सन के अराउंड घूमने को कितना लगाता है टाइम, 365 डेज, एक साल। तो ये प्लैनेट का जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, जितना टाइम पीरियड है, उसका अगर स्क्वायर करेंगे, मतलब कैपिटल टी अगर टाइम है तो हम उसको स्क्वायर करेंगे, तो ये इज डायरेक्टली, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब प्लैनेट का डिस्टेंस कितना है सन से, मतलब जितना हमने देखा है केप्लर्स लॉ के हिसाब से कि जितना प्लैनेट दूर होता है उतना प्लैनेट को ज्यादा टाइम लगता है सन के अराउंड जाने को। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस। अगर आपने केप्लर्स लॉज याद किए तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। तो इसका आंसर आएगा सी, क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब या आर क्यूब। तो ये है ना, डिस्टेंस को अगर हम डी से डिनोट करोगे तो डी क्यूब बोलो, अगर आर से डिनोट कर रहे हैं तो आर क्यूब, जैसे आप करो। तो डी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। तो क्यूब इधर आंसर आएगा, क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो जैसे हम हमारे सोलर सिस्टम में भी सन जो है, मर्क्यूरी सबसे नजदीक है सन के, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर एंड सो ऑन, जो ऑर्डर है प्लैनेट्स का,
तो मर्क्यूरी सबसे जल्दी अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, देन वीनस, देन अर्थ। मार्स को और टाइम लगता है, जुपिटर सैटर्न को और ज्यादा टाइम लगता है, तो उनका टाइम बढ़ते जाता है क्योंकि उनका डिस्टेंस फ्रॉम सन बढ़ते जा रहा है। तो वो है, तो वो रिलेशन कैसा है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डी क्यू। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इज डैश ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, ये हमारा ऑप्शन ये कौन सा है, अगर आप पढ़ोगे इसको तो आप क्लियरली समझेगा, ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, है ना। एफ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है कैपिटल एफ, तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब एम वन एम टू अगर उनके मास है तो एम वन एम टू न्यूमरेटर में आते, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे हमारा फॉर्मूला में आता है, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल जी बीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। तो डिस्टेंस का जो होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर आता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं। तो यहाँ पे आंसर आएगा। तो अगर आपको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा है और स्टेटमेंट याद है, तो ये ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसका आंसर भी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी इन एसआई यूनिट इज, और चार ऑप्शन दिए। तो ये वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए, हमारे न्यूमेरिकल्स भी हमें याद यूज करना पड़ता है। 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ मीटर पर केजी लिखा है, मीटर पर केजी ऐसा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द मासेज है ना, हमने जैसे देखा ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की जब हम बात कर रहे थे, तो प्रोडक्ट ऑफ द मासेज है, मतलब एम वन एम टू दो मासेज का केजी स्क्वायर आ जाएगा, और डिस्टेंस भी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम जी की वैल्यू निकालेंगे, फोर्स न्यूटन है, तो अगर जी को अकेला करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू इज इक्वल टू कैपिटल जी, है ना। तो ये जो है हमारा, इस वजह से ये यूनिट आती है। आपको ये डेरिवेशन से याद हो या आप ऐसे याद रखो, जिस तरीके से चाहिए आप ये याद कर सकते हो, हमने ऑलरेडी ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया है। सो यू शुड नो द यूनिट ऑल्सो एंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑल्सो। ये 10 raised to 11 नहीं है, माइनस 11 है, तो ये सब में से ये तो अब पक्का नहीं आएगा, है। फिर सिक्स्थ है, डैश इज मच वीकर देन अदर फोर्सेज इन नेचर। ये हमारी टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो काफी सारे फोर्सेस है नेचर में, सबसे वीक फोर्स जो है, एक्चुअली बहुत वीक फोर्स जो है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारे टेक्स्ट में भी स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए पेज 5 पे ये स्टेटमेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेज इन नेचर, है ना। तो ये यहाँ से हमारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया है टेक्स्ट बुक का, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अर्थ्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज डैश। तो ये एक्चुअली पोल्स और इक्वेटर्स के बारे में है कि कहाँ पे ज्यादा कहाँ कम होता है। तो हमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है, हमने स्मॉल जी का हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर में, कि इसकी वैल्यू सेम नहीं होती, इट वेरीज, वेरीज बेस्ड ऑन हाइट, वेरीज बेस्ड ऑन डेप्थ एज सच, है ना। तो ये जो वैल्यू ऑफ जी है, इसको हमको समझने के लिए हमें ये समझना है कि अगर अर्थ से ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है, अर्थ के अंदर से, तो जो अर्थ के सबसे नजदीक होगा उधर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा आएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी ज्यादा होगी। तब ये इक्वेटर पे ज्यादा होगी कि पोल्स पे, वो हमें समझना है। सी तो ऑफकोर्स गलत है, सेम नहीं होती एवरीवेयर, इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो अब पोल्स और इक्वेटर पे से सेंटर ऑफ द अर्थ से कौन सी जगह नजदीक है, तो अर्थ का शेप समझना जरूरी है। अर्थ का जो शेप है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक अ बॉल, इट्स शेप इज कॉल्ड अ जियोइड। तो जियोइड कैसा है, ये पोल्स के ऊपर थोड़ा दबा हुआ और इक्वेटर से बल्जिंग, थोड़ा सा मोटा। तो मतलब सेंटर से कौन सी जगह नजदीक होगी, इक्वेटर पे कोई भी जगह है अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे, वो सेंटर से ज्यादा दूर होगी, और पोल्स क्योंकि चपटा है, थोड़ा पास होगा तो सेंटर ऑफ द अर्थ से ज्यादा पास होगा, तो इसीलिए जो पास होगा उस पे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा, तो उधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो इट इज हायर एट द पोल्स। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए, हायर एट द पोल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए एथ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज। तो हमें चार ऑप्शन दिए, एक्चुअली चार नंबर्स दिए। तो हमें एक तो जनरल वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है वो पता होनी चाहिए, 9.8, इन जनरल हम इसे कहते हैं 9.8। पर एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है पॉइंट्स में, और है 9.78 या 9.832। तो ये दो फिगर्स है 9.78 और 9.832, इनमें से एक इक्वेटर की एक पोल्स की है।
अब कौन सी 6.67 तो कहीं भी आसपास नहीं है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। और ये 9.8 जनरल वैल्यू है। पोल्स और इक्वेटर पे ये दो वैल्यूज में से कौन सी पोल पे होगी कौन सी इक्वेटर पे, क्योंकि पोल्स पे हमने अभी देखा कि पोल्स पे वैल्यू ज्यादा होती है, तो 9.8 से थोड़ी ज्यादा, 9.832 इज द वैल्यू एट द पोल्स, इक्वेटर पे कम होती है, तो ये 9.78 जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर फॉर जी एट द इक्वेटर। तो अगर आपको जी एट द पोल्स भी आया क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द वैल्यू 9.832 इज एट द पोल्स एंड 9.78 एट द इक्वेटर। एंड जनरल वैल्यू बोला एक एवरेज वैल्यू ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ, इन जनरल हम लेते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में भी तो 9.8 की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कभी कभी 10 भी दिया होता है और राउंड ऑफ करके भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स में होता है दिया होता है कि टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दैट इज एन अजम्पशन ऐसे। फिर नाइन्थ स्टेटमेंट जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है वो है द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली डैश इन वैक्यूम। तो इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब के जगह जिसमें कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, एकदम खाली जगह, तो उसको वैक्यूम कहते हैं। जैसे स्पेस जो होता है स्पेस में भी वो वैक्यूम होता है, तो फ्री फॉल इज पॉसिबल इन वैक्यूम। फ्री फॉल मतलब क्या है, हमारे टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन भी है फ्री फॉल टर्म। फ्री फॉल क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट पे कुछ भी और एक्ट नहीं करता, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, उसे वैक्यूम कहते हैं, उसे फ्री फॉल कहते हैं। तो वो पॉसिबल है वैक्यूम में और कहीं पॉसिबल नहीं है। तो फ्री फॉल मतलब कि हमने अगर बॉल फेंका और फेदर फेंका, जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट वीडियो भी देखा है, हमारे एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी देखा है, हमारी टेक्स्ट बुक में इस यूट्यूब वीडियो का लिंक भी दिया है कि जहाँ पे एक हैवी बॉल है ना, जो बोलिंग बॉल होता है वो बॉल और एक फेदर साथ में गिराया जाता है वैक्यूम में, पूरा लैब में एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो यहाँ पे देखा गया कि दोनों एक साथ गिरते हैं, क्योंकि दोनों पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दैट इज सेम फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका आंसर आएगा इन वैक्यूम। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली डैश द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। मतलब अगर मून पे कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका वजन वहां कितना होगा और यहाँ कितना होगा, तो ये हमें टेक्स्ट बुक में दिया है क्लियरली 1/6 है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो मून पे है दैट इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। तो वेट भी न्यूटन्स में, वेट की यूनिट्स न्यूटन्स होती है, तो फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है वैसे, है ना, मास का केजी होता है। तो ये हमारे साइंस में हमें क्लैरिफाई किया गया इस चैप्टर में ही कि केजी जो हम देखते हैं वो मास होता है, वेट जो है वो न्यूटन्स में होता है, तो न्यूटन में होता है। तो ये न्यूटन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट ऑब्जेक्ट का मून पे कम होगा, कितना कम होगा 1/6। मतलब अगर कोई इंसान 60 केजी का है अर्थ पे तो उसका मून 10, मून पे वेट 10 न्यूटन होगा, 60 न्यूटन्स, न्यूटन की बात कर रहे हैं हम, ये वेट न्यूटन्स में होता है। अ पर्सन वेट 60 न्यूटन्स ऑन अर्थ, हिज वेट ऑन मून विल बी 10 न्यूटन, 60/6 डिवाइड बाय 6 करने का है ना 1/6। फिर नेक्स्ट हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो देखिए, ये वही है, सी सेम क्वेश्चन। The weight of a person weighing 60 newtons on the surface of the earth will be about dash on the moon. तो वही हुआ 60 divide by 6 किया तो ये 10 newtons आएगा। तो ये same question है, 10, 11 related है। ये 11th जो है 10th का एक example है, numerically है ये। और बहुत simple है, कुछ भी value दी है, earth पे अगर इतना newton weight है, तो उसका moon पे कितना होगा divide by 6, है ना? फिर next है हमारे state whether the following statements are true or false. तो ये भी 1-1 mark के questions है, true or false करना है हमें। तो first जो हमारा statement दिया है देखिए, if the distance between two masses is double, the gravitational force between them becomes less than the previous force. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे अगर दो objects है उसका अगर distance जो है वो हम बढ़ा रहे, तो ये हमने already किया है Newton's universal law of gravitation, अगर आपको समझ में आ गया है, जैसे हमने MCQs में भी देखा, तो आपके लिए स्टेटमेंट समझना और इसका आंसर देना बहुत इजी हो जाता है। तो जैसे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हम ग्रेविटेशनल फोर्स F की वैल्यू निकालते हैं, तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। तो ये जो है ये फॉर्मूला अगर आपको समझा है कि एक एक टर्म का क्या मतलब है, तो आपको ये इजीली आएगा, है। तो मासेस का जो डिस्टेंस है उसको हम बढ़ा रहे, मतलब जो अपॉन डी स्क्वायर जो है वो डी हम बढ़ा रहे, तो अगर वो डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में कैसा होगा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डी बढ़ेगा तो एफ कम होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स लेस देन द प्रीवियस फोर्स, अगर डबल हो रहा है तो ये सही है, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड इज द सीजीएस यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो उसकी सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पर ग्राम स्क्वायर।
अब हमें जी, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ऐसा यूनिट जो है वो हमने ऑलरेडी एमसीक्यू में भी देखी है ना, उसकी वैल्यू का क्वेश्चन आया था, तो वो क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अगर हम न्यूटन हर एक को सीजीएस करेंगे तो न्यूटन की सीजीएस यूनिट डाइन होती है ना, फॉर फोर्स न्यूटन होता है एसआई और सीजीएस डाइन, तो दिस इज करेक्ट। मीटर स्क्वायर तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये भी सही है, और किलोग्राम केजी स्क्वायर का ये ग्राम स्क्वायर हो गया, तो ये भी सही है, तो ये पर ग्राम स्क्वायर, तो दिस इज राइट। सो सीजीएस यूनिट ऑफ जी इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये सही है, ट्रू है। थर्ड है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन स्मॉल जी होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दो का डिस्टिंग्विश बिटवीन का भी आपकी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, नीचे हम आगे देखेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो है इसे समझना बहुत जरूरी है, स्मॉल जी, यहाँ देखिए स्मॉल जी लिखा है, स्मॉल जी इज एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, नॉर्मली एक्सिलरेशन को स्मॉल ए लिखते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसको स्मॉल जी लिखते हैं। और कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जो हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो आता है ना, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या आएगा, जी स्मॉल जी सेंटर ऑफ द अर्थ पे जीरो होता है। तो स्मॉल जी का वेरिएशन कैसे है वो तो हमने पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर में समझा ही है, और आपको पता भी होना चाहिए, इसके साथ आपका रिविजन भी हो रहा है ये, कि जी की वैल्यू जो है डिपेंड्स है ना, जी की वैल्यू डिपेंड करती है, हम हमारे आगे क्वेश्चन उसमें और ये क्लियर होगा, डिपेंड करती है ऑन हाउ मच मास इज एक्टिंग ऑन इट। तो कितना मास एक्ट कर रहा है और कितना दूर है वो ऑब्जेक्ट अर्थ से। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर होगा अर्थ से तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन कम एक्ट करेगा, और मास अगर ज्यादा होगा, अर्थ का मास अगर ज्यादा एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे कितना मास है, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ पे जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जाते तो अमाउंट ऑफ अर्थ मास विच इज एक्टिंग ऑन अस इज नीचे, मतलब समझो कि ये सर्कल है, अगर एक ये सर्कल अगर इसका रेडियस है 10 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इसके अंदर 1 किलोमीटर डीप गए है ना, और यहाँ पे ये अंदर एक डेप्थ पे खड्डा करके उधर खड़े हम अगर, तो ये सर्कल के 1 किलोमीटर डीप है, मतलब अभी उसका रेडियस हमसे कितना दूर है, 9 किलोमीटर डेप्थ है उसकी, तो हमारे ऊपर वो 9 किलोमीटर सर्कल जो है, स्फीयर जो है, उसका ही मास एक्ट करेगा, बाहर का मास हम पे एक्ट नहीं करेगा, उसकी ग्रेविटेशनल पुल हम पे नहीं एक्ट करेगी। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते अर्थ के, तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन कम होते जाता है, और जब सेंटर पे पहुंच जाते तो कितना मास एक्ट करेगा, वो पॉइंट पे कोई मास ही नहीं बचा उधर, तो कुछ नहीं एक्ट करेगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। ये आपका गिव रीजन भी है, इसमें क्वेश्चन बैंक में भी गिव रीजन है, तो ये पता होना चाहिए आपको, इसका आंसर है ट्रू। फोर्थ है, द वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट द इक्वेटर। ये तो अभी हमने एमसीक्यू में भी देखा कि अर्थ जो है इट इज फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर, तो वैल्यू ऑफ जी पोल्स पे ज्यादा होती है, है? क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट द पोल्स, तो यहाँ पे इक्वेटर लिखा है तो ऑफकोर्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर फिफ्थ स्टेटमेंट है, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, अब ये देखिए कैपिटल जी है, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, और वो कॉन्स्टेंट है पूरे यूनिवर्स में, कहीं भी जाओगे उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, तो जी तो नहीं चेंज होता, स्मॉल जी चेंज होता है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्मॉल जी नहीं, तो कैपिटल जी नहीं, तो ये कैपिटल जी जब लिखा तो ऑफकोर्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वैल्यू ऑफ जी इज कॉन्स्टेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स। फिर नेक्स्ट है, एज वी गो अबव द अर्थ सर्फेस द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस। तो जी इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे हम अर्थ सर्फेस के ऊपर जाएंगे, मतलब कि हम हाइट पे जाएंगे, जैसे माउंटेन पे जाएंगे या एयरप्लेन में हो गए, तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज कैसे होगा, बल्कि डिक्रीज होगा, हम पे कम फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जी जो है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो ऑफकोर्स दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। फिर सेवेंथ है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ हर एक चीज के लिए सेम है, वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज है हो, मतलब अर्थ पे जैसे वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो बी इट अ बॉल, बी इट अ रॉकेट और अ ह्यूज ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी तो एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, वो इतनी है, अर्थ के लिए एक ही वैल्यू है, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैज टू एस्केप। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है।
और एथ स्टेटमेंट है मास इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिव नहीं. तो ये फर्क है, क्वालिटी के मेजरमेंट नहीं करते, क्वांटिटी कितना अमाउंट है, कितना इनर्शिया है उसका मेजरमेंट है. सो दैट इज कॉल्ड मास. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये बहुत ध्यान रखना है हमें यहाँ पे. तो ये हमारे एमसीक्यूज हुए. इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गिव साइंटिफिक रीजंस. मतलब ये अभी 2 मार्क के क्वेश्चंस है. तो गिव साइंटिफिक रीजंस है यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिव साइंटिफिक रीजंस है 2 मार्क्स के. फिर सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के. तो यहाँ पे भी 1, 2, 3 ये दो हमारे टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स के दो न्यूमेरिकल्स है. फिर ये एक रीड्रॉ द फिगर बाय करेक्टिंग द एरर है, वो हमने करेक्ट किया है. तो मराठी में तो इंग्लिश के भी फिगर मैंने डाला एक्स्ट्रा एक. फिर ये एक प्रॉब्लम है, ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, वो भी हमने सॉल्व किया है. डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन है. फिर उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स है. उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे अभी न्यूमेरिकल से 3-3 मार्क्स के आपके जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल से क्वेश्चन 5 में जो आपके चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल है ए बी सी डी ई एंड एफ एन जी. तो ये सारे न्यूमेरिकल्स लाइन से दिए हुए, तो वो तो हमने सॉल्व किया है. अलग से न्यूमेरिकल्स का वीडियो भी है, तो वो न्यूमेरिकल्स भी आपको सारे के सारे करने हैं. और एक न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल का है, वो भी हमने यहाँ सॉल्व किया है पूरा. उसके अलावा फिर क्वेश्चन 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप देखिए पैसेज है, और पैसेज के बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे. 5 सवाल है, 5ों सवाल का आंसर देना है. और ये एक टेबल है, रीराइटिंग द टेबल उसका सवाल है. तो इतने आपके क्वेश्चंस है फॉर ग्रेविटेशन चैप्टर. तो इतना सब प्रिपेयर करने को बहुत टाइम लगता है. ये सब हम चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको साइंस 1 साइंस 2 पूरा 10 चैप्टर्स है हर एक बुक में, आपको 20 चैप्टर्स का पूरा अगर पीडीएफ चाहिए और इसके वीडियोस आप चाहते हैं, हम ये पूरा आपके पास 1 महीना उसमें हम ये वर्क करें और आपको रेगुलरली वीडियोस प्रोवाइड करते रहे, तो वील नीड सपोर्ट फ्रॉम यू टू. एंड दैट इज वाई वी हैव अनाउंस दिस बैच. साइंस की जो बैच है हमारी, उसके अंदर अगर आपने ऑलरेडी साइंस बैच के लिए एनरोल किया तो ऑफकोर्स आपको ये पेमेंट कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व चाहिए और साइंस के सारे वीडियोस चाहिए हमारे, तो हम ये पूरा अपडेट करेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके देंगे. ये फर्स्ट चैप्टर आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं. पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में ये ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट होगा. आगे के सारे चैप्टर्स के लिए आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं. इसके डिटेल्स यहाँ दी गई, आप ये नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हमारा ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके ये सारे वीडियोज उस पर देख सकते हैं. ये पार्ट 1 वीडियो में हम गिव साइंटिफिक रीजंस तक ही देख पाएंगे, लेकिन ये पूरा पीडीएफ मैं लिंक करूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. बाकी के जो सारे क्वेश्चंस है उसका वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे भी, और वो आपका ये चैप्टर कंप्लीट करेगा. तो देखते हैं फर्स्ट गिव रीजन. द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज हायर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर. तो इसका गिव रीजन क्या है, हमने ऑलरेडी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में समझा है कि पोल्स पे ज्यादा है इक्वेटर पे कम है. क्यों ज्यादा है वो भी हमने देखा है, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ है ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल. तो वही हमारा आंसर है. तो एक बार आपने समझ लिया तो आपके लिए आंसर याद करना बहुत इजी हो जाएगा, और हमने आंसर भी पॉइंट फॉर्मेट में दिया है ताकि आपके लिए याद करना इजी हो जाए. तो इसका आंसर 2 मार्क का सवाल है. तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए 4 मेन पॉइंट्स है, फिर देयरफॉर करके वही सेम स्टेटमेंट रिपीट होता है. तो क्या पॉइंट है यहाँ पे देखिए, the shape of the earth is not exactly spherical and so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place. ye hamari textbook se hi liya hua pura statement hai. to hamara earth ka shape basically spherical nahi hai, ye reason hai, hai na, kyunki rotate karta hai earth so uska shape thoda change ho gaya. the earth bulges at the equator and is flatter at the poles. to ye main hai, due to its rotation the earth bulges at the equator and is flatter at the poles. to फर्स्ट पॉइंट में हमने ये बोला कि डिस्टेंस से अलग अलग है, हर एक पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस अलग अलग सरफेस ऑफ द अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में इक्वेटर पे पोल्स पे अलग अलग डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. क्यों कैसा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ पोल्स पे कम है और इक्वेटर पे ज्यादा है. तो ये है अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटर एट द पोल्स. थर्ड पॉइंट वाई इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल्स. और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज मास ऑफ द अर्थ, और जो स्मॉल आर इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ.
तो अगर रेडियस ज्यादा होगा तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनवर्स प्रोपोर्शन है जी से, डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, और डिस्टेंस कम होगा जैसे पोल्स पे कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। सो ये ही हमारा 4 पॉइंट्स है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हायर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। फिर अगला गिव रीजन जो है वो भी इसी लाइंस पे है, देखिए ये तो एक्स्ट्रा वैल्यू जो हमने ऑलरेडी देखे है कि हमको एमसीक्यूज के लिए वैल्यू भी याद होनी चाहिए, तो वो लिखा है यहाँ पे 9.832 पोल्स पे और 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द इक्वेटर। इसकी जरूरत नहीं है आपको लिखने की, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, आपको पता हो तो आप लिख भी दो। फिर सेकेंड गिव रीजन का स्टेटमेंट जो है वो है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज वी गो अप अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी पहले हमने देखा कि पोल्स पे कम है इक्वेटर पे ज्यादा, उसका गिव रीजन दो। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम अर्थ के ऊपर सरफेस ऑफ द अर्थ पे हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाती है। क्यों कम होते जाती है? जी का सेम फॉर्मूला है, हमने ऊपर भी यही फॉर्मूला यूज किया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हमें पता है जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम इज मास ऑफ द अर्थ है ना, और आर जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ इंपॉर्टेंट है और डिस्टेंस कितना दूर है, तो डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है। तो इसीलिए यहाँ पे भी अगेन ये फॉर्मूला भी कहाँ से आता है, ये कुछ अलग ही फॉर्मूला नहीं है, वेरी सिंपल फॉर्मूला है हमारा फोर्स का फॉर्मूला। इन जनरल हमें पता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल्स टू एम जी, और ये न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो हमारा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आता है, तो स्मॉल एम दोनों से कैंसिल हो जाता है ना, तो एम जी में ये एम कैंसिल हो गया, यहाँ जी एम एम का भी एम कैंसिल हो गया, तो जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ये स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, डिस्टेंस लेकिन इंपॉर्टेंट, और डिस्टेंस डिनोमिनेटर में, तो अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा सेंटर ऑफ द अर्थ से तो जी बढ़ते जाएगा, बिकॉज इट इज इनवर्स रिलेशन, इट्स इन द डिनोमिनेटर। तो वही एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन वन इंक्रीजेस, तो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा आर बढ़ेगा, तो जी एंड आर आर इनवर्सली रिलेटेड, देयरफॉर वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एज वी गो इनसाइड द एज वी गो अप अबव द अर्थ सर्फेस। सेम ये क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है, एज वी गो अबव द अर्थ सर्फेस। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इफ अ स्टोन एंड अ फेदर आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम द स्टोन रीचेस द ग्राउंड बिफोर द फेदर। ये हमको पता है अर्थ पे ऐसे ही होता है, अगर स्टोन और फेदर एक साथ गिराएंगे तो स्टोन पहले आएगा फेदर से, नीचे पहले गिरेगा। क्यों होता है ये? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने देखा इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, तो मास स्टोन का ज्यादा हो या फेदर का कम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो दोनों पे सेम एक्ट करती है। फिर ऐसा क्यों होता है? तो उसका गिव रीजन हमारा यहाँ पे ये देखिए, इफ यू ड्रॉप अ स्टोन एंड अ फेदर फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम द फेदर एक्सपीरियंसेस a buoyant force and a frictional force due to the air and therefore floats and reaches the ground slowly later than the heavy stone. तो ये हमने क्वेश्चन से ही कॉपी किया, if we drop a stone and a feather from the same height at the same time. तो फेदर को buoyant force, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, buoyant force और frictional force, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये दो वर्ड्स ही मेन आंसर है। तो जब एयर से पास होता है, एटमॉस्फेयर में एयर होता है, जब एयर से पास होता है तो एयर का भी एक फोर्स अप्लाई होता है, बॉयंट फोर्स, बॉयंसी मतलब वो वही पोजीशन पे ऐसे बॉयंट रहेगा है ना, तो एयर की एक फोर्स होती है जो फेदर पे ज्यादा एक्ट करती है रादर देन स्टोन, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करती है, बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो, एयर प्रोवाइड्स फ्रिक्शन टू इट, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास। सो ये दो फोर्स एयर की वजह से, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है लेकिन एयर का भी एक फोर्स एक्ट करता है, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है, एटमॉस्फेयर होता है, उस वजह से यहाँ पे जो है ये अलग फोर्सेस एक्ट करते हैं और इसीलिए स्टोन पहले गिर जाता है, फेदर बॉयंट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टाइम लगाता है ना, तो बॉयंट फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द स्टोन आर मच लेस देन द वेट ऑफ द स्टोन एंड डू नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द स्टोन मच। तो उसका इफेक्ट वेट, क्योंकि स्टोन का ज्यादा है तो उसके ऊपर कम पड़ता है उसका असर है ना, तो यहाँ पे इसीलिए स्टोन के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होता और फेदर पे होता है, फेदर का वेट कम है इसलिए। सो दस इफ द स्टोन एंड फेदर आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम द स्टोन रीचेस द ग्राउंड बिफोर द फेदर। तो ये हमारा दो मेन स्टेटमेंट ही है, उसमें हमारा आंसर हो जाता है, ये दो वर्ड्स नहीं भूलने बस। तो एटमॉस्फेयर जो है उसकी वजह से ये हमारे अर्थ पे ऐसे होता है कि स्टोन पहले गिरा फेदर बाद में, अगर वैक्यूम में गए या स्पेस में गए तो दोनों इक्वल साथ में गिरेंगे, इसका वीडियो भी है
हमने भी देखा है जब ग्रेविटेशन चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखा था कि कैसे दोनों स्टोन और फेदर अगर वैक्यूम में हम गिराते लैब में, एक्चुअली पूरा एयर निकाल दिया और पूरा वैक्यूम बनाया और स्टोन और फेदर दोनों को एक साथ गिराया तो दोनों एक साथ नीचे आए. स्टोन डिड नॉट कम फर्स्ट, स्टोन एंड फेदर रीच द ग्राउंड टुगेदर. सो दैट शोज हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ मास. फिर फोर्थ जो है ये है गिव रीजन का स्टेटमेंट. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स. तो अलग अलग प्लैनेट्स पे वेट अलग अलग होता है क्योंकि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब क्या, फोर्स. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट, फोर्स विद व्हिच अ प्लैनेट अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट. मतलब W इज फोर्स और F का फॉर्मूला क्या है, mg या gmm upon r square, है ना. तो ये जो हमारा है यहाँ पे gmm upon r square, अगर ये फॉर्मूला हम लेंगे तो यहाँ पे क्या है, हर एक को लिखना है हमें. फोर्स F है, ऑब्जेक्ट का मास m है और प्लैनेट जो होगा, जो भी प्लैनेट होगा उसका मास m होगा. रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट विल बी r. तो हमारा फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू gmm upon r square. अगर ऑब्जेक्ट m है और वो अगर हाइट d पे है अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो d इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो उसका वैल्यू आर प्लस डी द होल स्क्वायर होगा ना. रेडियस के साथ वो हाइट भी मिलाना होगा. और कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ये हमारा पूरा जो फॉर्मूला का हमने लिख लिया ये सेकंड पॉइंट में. तो वेट का डेफिनेशन दिया कि वेट क्या है, इज द फोर्स विथ विच एन प्लैनेट अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट. सेकंड पॉइंट में हमने लिखा अबाउट द फॉर्मूला और हर एक टर्म क्या है वो लिखा. अभी वाई विल द वेट वेरी, तो फोर्स वेरी करेगा इसलिए वेट वेरी करेगा ना. फोर्स किस लिए वेरी करेगा डिफरेंट प्लैनेट्स में, क्योंकि हर एक प्लैनेट का कैपिटल एम मास अलग होगा, कैपिटल आर रेडियस अलग होगा. तो इसीलिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स. तो ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, द फिफ्थ गिव रीजन का स्टेटमेंट. द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हैज टू बी टेकन नेगेटिव व्हेन कंसीडरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. मतलब अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर हम डालते हैं, हमने न्यूमेरिकल्स में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि जी जब भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो जी को नेगेटिव लेना है, ये हमेशा याद रखना है हमें. हमने न्यूमेरिकल्स करने के टाइम पे हमेशा बोला है जी नेगेटिव होगा अगर ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स और फाइनल वेलोसिटी वी जीरो होगी. जनरली जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फाइनली वो ऊपर जाके एक स्टॉप हो जाएगा ना, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी. सो दैट इज वी इक्वल टू जीरो. तो ये याद रखने हमें दो पॉइंट्स हमेशा, जी नेगेटिव लेना है और वी जीरो होगा और इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. और जब वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑब्जेक्ट आता है तो जी पॉजिटिव होता है और यू जीरो होता है. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ तो इसको गिव रीजन करके पूछी है कि इसका रीजन दो क्यों क्यों जी नेगेटिव लेना पड़ता है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हमें लिखना है. तो ये देखिए व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखेंगे. द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन called acceleration due to gravity and it is denoted by g, है ना. So ये जो है acceleration due to gravity is the gravitational force की वजह से जो acceleration हो रहा है. तो ये vector quantity है g और gravitational force जो है which is acting on the object, तो ये gravitational force is directed towards the center of the earth. तो gravitational force is always directed to the center of the earth. तो direction of acceleration due to gravity is also towards the center of the earth, vertically downwards. तो डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें नेगेटिव ही लेनी होगी. सो दस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैज टू बी टेकन नेगेटिव. इफ इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स इट इज पॉजिटिव, अपवर्ड्स है तो फिर उसको नेगेटिव लेना होगा. फिर नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ गिव रीजन. और ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बाकी सारे तो नॉन टेक्स्टुअल है. ये एक्सरसाइज का है, मतलब नॉन टेक्स्ट मीन्स नॉन एक्सरसाइज से नहीं है. टेक्स्ट बुक में तो सारे आंसर्स है पर एक्सरसाइज में नहीं. एक्सरसाइज का हमारे क्वेश्चन 3 में है ये क्वेश्चन, व्हाई इज द वैल्यू ऑफ जी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये एक्चुअली गिव रीजन की तरफ पूछा है, द वैल्यू ऑफ जी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ गिव रीजन. तो इसका आंसर यहाँ पे ये देखिए. तो ये वापस से जी के बारे में बात हुई, तो फॉर्मूला लिखेंगे उसका, हर एक टर्म लिखेंगे. जी इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम इनसाइड द सर्फेस ऑफ द अर्थ जाते जो हमने आंसर लिखा, तो वो यहाँ पे वापस लिखा हमने. तो as we go inside the earth's surface, part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object decreases, है ना. तो जब वो मास कम होते जाता है, which means that the value of m in equation 1 decreases. तो अगर m decrease होगा तो center of the earth पे m कितना होगा, value of m 0, क्योंकि कुछ मास बचा ही नहीं फिर ना. तो mass acting on the object becomes 0, therefore value of g is 0 at the center of the earth. m 0 है तो फॉर्मूला के हिसाब से g भी 0 हो जाएगा.
सो दिस इज आंसर फॉर द गिव रीजन. तो यहाँ हमारे गिव रीजंस फिनिश हो गए. बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ये पीडीएफ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अवेलेबल. पूरा चैप्टर का पीडीएफ अवेलेबल है. और बाकी जो है आपको आगे के चैप्टर्स के लिए दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज बीन प्रोवाइडेड. विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट. क्वेश्चन बैंक्स को सीरियसली लो. हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है और साइंस एनी वे इज इम्पॉर्टेंट. साइंस थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है. अभी भी 1 महीना आपके हाथ में, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. सारे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन बैंक्स प्रिपेयर कीजिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम. थैंक यू.